अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का पहला सवाल है रुईदात खान हैं पेशावर से, अंजुम अली लाहौर से, वकास आमिर हैं ब्रसल्स। वो कहते हैं पिछले दिनों चंद उर्दू अखबारात के कॉलमों में तहरीक इंसाफ के क़याम और जनरल हमीद गुल इमरान खान के तल्लुकात का जिक्र हुआ है। कहा जा रहा है कि मंसूबे के तहत इमरान खान ने जनरल हमीद गुल को तहरीक इंसाफ से दूर किया। आपके इल्म में अगर कुछ हकायक हैं तो हमारे साथ शेयर करें। देखिए बात सुनें, मैं जानता हूँ और एक अजीब इत्तेफाक है कि मैंने भी इस तरह की चीज़ें पढ़ी तो परसों या शायद तरसों की बात है, मोहम्मद अली दुरानी जो परवेज़ मुशरफ साहब के ज़माने में फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थे, पासवान के सरबराह रहे और मेरा उनके साथ भाइयों जैसा ताल्लुक़ है और बहुत पुराना ताल्लुक़ है। और मेरी जो पहली मुलाकात हुई इमरान खान के साथ वो दुरानी साहब के घर पे इमरान की ख्वाहिश पे हुई थी। मतलब ये बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि तो मैंने उस दिन उनसे बात की, उन्होंने कहा ये अक्सर गलत है। तो मैंने कहा मुमकिन है ऐसी किसी मीटिंग में मैं ना हूँ, चूँकि मैं मीटिंग्स वगैरह मैं गुरेज ही करता हूँ। मैं पीटीआई के जब साथ था तो मैं इनका मीडिया देख रहा था, उस ज़माने में भी मैं मिलता नहीं था लोगों से, सियासतदानों से, इवन पीटीआई के लोगों से मेरा बहुत कम जिससे मुलाकात होती थी नॉर्मली, या कभी ऑफिस में हो गई या इमरान खान के घर। मैं सोशलाइज करने वाला आदमी नहीं तो मैंने ये सोचा कि मुमकिन है वो इस तरह की जो कोई मीटिंग या मीटिंग्स हुई हों उसमें मैं वहाँ ना हूँ। अच्छा, ये एक पहलू है। तो दुरानी साहब ने कहा कि नहीं अफवाहें हैं, इस तरह की बातें छोड़ते हुए ये इट्स नॉट करेक्ट। पहली बात, वो ज़ाहिर है वो बहुत इमरान के उस ज़माने में, बल्कि इमरान की उस ज़माने में फंड रेजिंग में शौकत खानम की पिवटल रोल है। पासवान एक तहरीक होती थी, उसके सरबराह थे मोहम्मद अली दुरानी, उनका बहुत 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 ज़बरदस्त उसमें रोल है। उन्होंने बतौर वर्कर्स, अभी मेरा ख्याल है पीटीआई नहीं बनी थी, तो वो पासवान के बड़े जानेसार लड़के थे, उन्होंने काम किया। अच्छा, दूसरी तरफ मैं, अच्छा इत्तफाक है कि आप तो आज ये सवाल कर रहे हो। मैंने कई बार हमीद गुल साहब के हवाले से बड़ी मोहब्बत इज़्ज़त एहतराम के साथ उनका जिक्र किया है, तो उन्होंने भी कभी इमरान के बारे में भी बात होती थी फलाना। और मेरा उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक था, मेरे वो बुज़ुर्ग थे, मेरे सीनियर थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे वो, और बहुत प्यार मोहब्बत था कि हमारे घर में उन्होंने चेंज कराया। हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते थे, वो हार्ट पेशेंट थे, वो एक ब्रेसलेट सा भी पहना करते थे। तो उन्होंने किचन में जाके मेरी वाइफ को वो बताया कि बेटा सरसों का तेल है, इसको इस तरह ट्रीट करना है। हमारे बेडीपुर वाले घर की जो किचन है वो बड़ा है, चूँकि घर का ओवरऑल साइज़ बड़ा है, तो इस तरह के घरों में तो बहुत बड़े किचन हो नहीं सकते। तो उसमें एक अब भी मौजूद है वो, एक डाइनिंग टेबल है रॉट आयरन की, उसमें चार सीट्स हैं किचन के अंदर, तो वहाँ बैठ के वो बताते रहे कि भाई यूं करो, बार बार वो झाग आती है, वो लंबा, मतलब इतना प्यार मोहब्बत का। फिर मैंने एक बार उनसे कहा कि जनरल बातों में, वो प्लांट से बड़ा प्यार करते थे, पौधों से बहुत मोहब्बत करते थे, हरियाली से बहुत मोहब्बत करते थे। तो मैंने उनसे को बात की कि अब तो वो ना, मैं कोशिश कर चुका था नर्सरीज वगैरह पर, तो वो नहीं मिल रहा था। आज के नौजवानों को तो पता भी नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं, एक तो किन्नू होता है, माल्टा होता है, मौसमी होती, हमारे बचपन के ज़माने में एक फल होता था संतरा कहते थे, तो उसमें थोड़ी तुरशी होती थी, लेकिन मेरा वो चूँकि बड़ा मुझे हॉन्ट करता था, मुझे याद आता था, वो अवेलेबल नहीं है मुद्दतों से मार्केट में। और मुझे किसी ने बताया, पता नहीं सच या गलत है, कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लालपुर की, इन्होंने माल्टे और संतरे के क्रॉस से या इम्तजाज से या जो भी कह लें या पैवंद से इन्होंने किनू बनाया था, जो किनू जाहिर है।
तो उसके पौधे भी मुझे आज भी जब मैं उन पौधों को देखता हूँ या उनका फल आता है हमारे शहर वाले घर में, तो मैं दुआ निकलती है उनके लिए। और कई बार इमरान ये वो सारा ये सारे सिलसिले मुझे नहीं कतन याद आ, हालांकि अमीर गुल साहब ने कोई इस तरह की बात की होती तो मुझे कभी ना भूलती, चूंकि मैं आली जरफी और कमीन की किसी की भी हो वो मैं नहीं भूल सकता। तो इसलिए मैंने जो अपना आपने कहा था ना कि हमारे साथ शेयर करें, तो मैं जो जानता हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। बाकी वल्लाह आलम सवाब, आई डोंट थिंक सो एट ऑल। मेरे लिए मोहम्मद अली दुरानी साहब की गवाही बहुत अहम है।